नमस्कार, मैं आपका जितेंद्र यादव। आज हम बात करने वाले हैं नाभिक के टॉपिक के ऊपर। नाभिक पर जितनी वीडियो बनाई जा रही है उतनी कम है, और इस वीडियो में हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं नाभिक के बारे में। आपके नाभिक के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण है, और उसको आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप नाभिक को ठीक नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, आज इस पूरी वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पे। तो आइए बात करते हैं नाभिक के कारण के बारे में। जो नाभि का मेन पहला जो मेन कारण है नाभि हटने का, तो उसका मेन कारण पहला है कि खाली पेट कोई वजन उठाना, कोई मेहनती काम करना। मेहनती काम का मतलब आप खाली पेट है, कोई जिस काम में जोर आपका यूज हो रहा हो, आप ताकत का उपयोग कर रहे हो, तो वो मेहनती काम करना। अगर आप खाली पेट हैं और ताकत का उपयोग कर रहे हैं तो आपकी नाभि हटने के चांसेस आपको ज्यादा है, नाभि वहां से हट जाती है। अगला जो दूसरा जो इसका मेन कारण है वो है खाली पेट दौड़ मारना या पानी पीने के बाद दौड़ना। काफी लोग आपने देखा होगा कि जो लोग हैं बच्चे हैं, जवान हैं, काफी बार खाली पेट होने के बावजूद वो दौड़ देते हैं कुछ दूर, उनको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो पानी पी के दौड़ते हैं तो उनको भी पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका दूसरा जो मेन कारण हो गया कि अगर आप खाली पेट दौड़ते हैं या पानी पी के दौड़ते हैं तो आपकी नाभि खिसक सकती है। इसका जो तीसरा जो कारण है वो है वजन उठाना। अगर आप खाली पेट हैं, अगर आप वजन उठा लेते हैं खाली पेट, कोई पानी की बाल्टी आप एक तरफ से लटका लेते हैं, एक हाथ से उठा लेते हैं, दूसरी तरफ आपका कोई बैलेंस नहीं है, तो आपकी नाभि खिसकने का चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी वजन उठाना आपका खाली पेट तो आपकी नाभि को खिसकाने का मेन कारण हो सकती है। इसका जो अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है सीढ़ियों से तेज चढ़ना। अगर आप कोई पैड़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अगर आप फास्ट मूवमेंट में जा रहे हैं, अगर आप तेज उतर रहे हैं, तेज चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त ध्यान रखें, आराम से चढ़ें, तो सीढ़ियों पर जो तेज चढ़ते हैं उनकी भी काफी बार देखी गई है, उनकी भी नाभि खिसक सकती है, अपनी जगह से हट सकती है। अगला जो पांचवा जो मेन पॉइंट है वो है पैरों की मांसपेशियों का टाइट हो जाना। पैरों की मांसपेशियां मतलब आपके पैर हैं और पिंडली वाला एरिया आपका टाइट हो जाएगा। ये जो पिंडली जिनको बोलते हैं हम, काफ बोलते हैं, ये वाला एरिया आपका टाइट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से नाभि पे असर पड़ता है। अगर आपकी पिंडलियां टाइट हैं तो आपकी नाभि भी हटी हुई होगी या हट सकती है, तो आप क्या करेंगे उसको, या तो टाइट मत होने दीजिए। तो पांचवा जो इसका कारण था पिंडलियों का टाइट हो जाना। इसका जो अगला जो पॉइंट है कारण है, अगर आप काफी लंबे समय तक एक ही पोजिशन होल्ड करके बैठते हैं, जैसे आज आपने देखा होगा कि सभी लोगों का बैठने का काम ज्यादा हो गया है, कंप्यूटर वर्क हो गया है, कोई भी काम की मान लीजिए, तो एक्टिविटीज कम हो गई है हम लोगों की। अगर आप ज्यादा समय तक एक ही पोजीशन होल्ड करते हैं तो आपके पैर की और बैक की मांसपेशियां खिसती हैं, जिसकी वजह से आपकी नाभि के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो नाभि खिसने का कारण बन सकती है। इसका जो अगला जो मेन कारण है वो है एकदम से मुड़ना। अगर आप सीधे जा रहे हैं, चल रहे हैं, और आपने झटके से एकदम से पीछे मुड़ के देख लिया, किधर भी मुड़ना, तो उसके कारण भी आपको अचानक से झटका लगता है पेट के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी नाभि हट सकती है, अपनी जगह से हट जाती है। तो इसका मेन कारण झटके से मुड़ना भी हो सकता है। इसका जो अगला कारण है वो है तेज मसालेदार चीजें खाना, तली हुई चीजें खाना, समोसे खाना, बर्गर खाना। अगर आप ज्यादा खाते हैं, खाना नहीं मतलब कि आप ज्यादा खाते हैं, उसकी अति यूज करते हैं, बार बार बाहर का खाते आ रहे हैं, तेज मसालेदार है, तो उस दौरान भी अगर आप ज्यादा तेज खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र है जो वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से नाभि अपनी जगह छोड़ देती है। अगला जो मेन कारण है वो है गर्भवती महिला। गर्भवती महिला क्या होती है कि अगर गर्भवती महिला के दौरान, एक से दो महीने के दौरान, जब आप देखेंगे कि गर्भवती महिलाएं की नाभि में एक खिंचाव पैदा होता है, नाभि एक खिंचाव पैदा करती है, तो बच्चा होने के बाद काफी महिलाओं की नाभि अपनी जगह वापस सेट हो जाती है। लेकिन काफी महिलाएं देखी गई हैं जिनकी गर्भवती के दौरान उनको परेशानी जो है वो बच्चा होने के बाद स्टार्ट होती है, उनको पहले से कोई परेशानी नहीं होती पेट के अंदर, लेकिन जैसे ही उनको बच्चा होता है उसके बाद उनको पेट में परेशानी स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, मुरोड़े उठने लग जाते हैं। तो अगर आप गर्भवती हैं तो उस दौरान भी आपका नाभि हटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो इसका मेन कारण है वो है पैर पे पैर रखना। हमने काफी लोगों को देखा होगा खाली जब हम बैठे होते हैं तो अपना पैर दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि नाभि निकालने के तरीके में एक पैर की नब्ज का तरीका भी यूज किया जाता है,
काफी लोग नाभि निकालने के लिए पैर की नब्ज का उपयोग करते हैं। तो जब आप यहाँ पे फील करेंगे अपने टकने के बीच, जो टकना है आपका इसके पीछे वाले एरिया के अंदर, आपको एक नब्ज फड़कती हुई नजर आएगी, आपको पल्स जैसा महसूस होगा। अगर आप पैर पे पैर रखते हैं, आपने पैर पे पैर ऐसे रख लिया, अगर उसको काफी देर तक होल्ड रखते हैं, पैर को हिलाते, पैर पे पैर रख के काफी लोग हिलाते रहते हैं, तो ये नाभि हटने का आपका मेन कारण हो सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते, आपने कोई झटका नहीं लगा, आप गर्भवती नहीं है, आपने कोई चटपटा भी नहीं खाती है, तो आपका अगला कारण मेन ये हो सकता है कि आप पैर पे पैर रख के बैठते होंगे, जिसकी वजह से आपकी नीचे वाली नब्ज पल्स जो है वो दब जाती है, जिसकी वजह से आपकी नाभि के ऊपर असर पड़ता है। अगला जो इसका मेन कारण है वो है कब्ज और दस्त। जिन लोगों को पहले से ही कब्ज या दस्त हो रखे हैं, जिन लोगों को या तो कब्ज रहती होगी या अभी अचानक उनको दस्त लग गए होंगे, उस दौरान भी आपकी नाभि खिसक जाती है। कब्ज और दस्त जिन लोगों को होते हैं, उस दौरान भी आपकी नाभि खिसकने का मेन कारण हो सकता है, नाभि खिसक सकती है। आइए आज हम अभी हम जानते हैं इनकी नाभि हट गई है आपकी तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। जब भी आपकी नाभि हटेगी तो आपके आसपास वाले एरिया के अंदर, नाभि के आसपास के एरिया के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, मरोड़े उठने स्टार्ट हो जाएंगे, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो अगला जो लक्षण है वो है घबराहट रहना। आपको बेचैनी रहेगी और आपको घबराहट रहेगी। नाभि जब भी हटेगी तो आपको बेचैन कर देगी, शरीर को आपके बेचैन कर देगी और आपको घबराहट सी महसूस होने लग जाएगी। दो मेन पॉइंट हो गए। अगला जो इसका मेन लक्षण है वो है उल्टी आना या उल्टी जैसा आपको महसूस होना। अगर आपने खाना खाया तो आपको उल्टी जैसा आपको लगेगा कि मैं उल्टी आ रही है मेरे को, या उल्टी जैसा महसूस होना, आपको अच्छा फील ना होना, या इसका तीसरा लक्षण है। इसका जो अगला जो मेन लक्षण है वो है या तो आपको दस्त लग जाएंगे या आपको कब्ज हो जाएगी, ये इसका अगला लक्षण है। इसका जो अगला जो मेन लक्षण है वो है महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं की नाभि हटती है उस दौरान पीरियड्स या तो देर से आने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर पहले आ जाते हैं, पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं और जांग में आपको पेन मिलेगा। महिलाओं के लिए आपकी जांग के अंदर पेन होने लग जाता है और पेट के नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से के अंदर ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है और पीरियड्स के दौरान पेन भी आपको ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो अगला मेन लक्षण है वो है नाभि की वजह से आपको सेम बैक में, इसके जस्ट पीछे कमर के अंदर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपकी नाभि खिसकेगी, नाभि की वजह से आपका कमर दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, ये भी नाभि का लक्षण है। इसका जो अगला लक्षण है वो है खाना खाने के बाद काफी लोगों को पेट में समस्याएं होनी स्टार्ट हो जाती है, या तो खाना खाते ही वो फ्रेश होने के लिए दौड़ते हैं या फिर वो खाना हजम नहीं होता है, मतलब पाचन तंत्र खराब हो जाता है आपका, तो ये भी नाभि का लक्षण है। जो अगला लक्षण है वो है कि अगर आपकी नाभि खिसक जाएगी तो आपको पेट के अंदर गैस बनना, गैस ज्यादा बनने लग जाएगी, आपको बेचैनी उल्टी, या आपने मुझे बताया दिया ये वाली बेचैनी उल्टी आपको महसूस होने लग जाएगी और पेट के अंदर ज्यादा गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। इसका जो अगला लक्षण है वो है, ये लक्षण बहुत कम लोगों में देखा गया है लेकिन ये लक्षण नाभि के दौरान ही पाया जाता है। जिसकी नाभि हटती है उस दौरान स्वपन दोष होने स्टार्ट हो जाते हैं, नाभि हटने के कारण भी स्वपन दोष होते हैं, ये भी इसका लक्षण है। इसका जो अगला जो लक्षण है वो है कि आपकी पेट के आंतों के अंदर, पेट के आंतों के अंदर आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, मरोड़े जैसे आपको महसूस होंगे, तीखा पेन होने लग जाएगा, तो ये भी नाभि के लक्षण है। अगर आपके आंत के अंदर आपको प्रॉब्लम दर्द हो रहा है तो ये नाभि का लक्षण हो सकता है। इसका जो अगला लक्षण है वो है काफी लोगों को, मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन काफी लोगों को फ्रेश होते वक्त फ्रेश जो है वो फटी हुई आती है। अगर आप लैट्रिन जाते हैं तो आपका फटा हुआ लैट्रिन में आपको आने लग जाएगा। दूसरा है उसमें ज्यादा बदबू आने लग जाती है। आपने देखा होगा काफी लोगों को कि फ्रेश होने के बाद उसके बाद में कोई जा नहीं सकता, इतना जबरदस्त महक आने उसमें लग जाती है, तो ये भी आपकी नाभि की वजह से हो सकता है कि अगर, क्योंकि नाभि जब खिसकती है तो आपका खाना पचता नहीं है, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो उस दौरान वो अंदर अंदर सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो उस दौरान आपको ज्यादा बदबू, फटी हुई लैट्रिन आपको नजर आती है, ये भी आपका नाभि का ही लक्षण होता है। तो अभी आपने देखा कि हमने कारण और उनके लक्षणों के बारे में जाना। अब ये किसी को हो गया हो तो आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। पहचानने के काफी तरीके होते हैं, या तो आप पहला होता है पल्स को चेक करना,
नाभि के अंदर आप हाथ को रखेंगे और दबाएंगे और वहां की पल्स को चेक करेंगे। लेकिन चेक करते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये पल्स जो चेक होती है वो केवल आप खाली पेट चेक कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप ये पल्स चेक ना करें। दूसरा जो इसका जो तरीका है जो इसको पहचानने का वो है कि आप काफी लोगों ने देखा होगा यहाँ से एक डोरे को नापा जाता है, नाभि से आपकी चेस्ट तक, चेस्ट की निप्पल तक बराबर नापा जाता है। तो आपने डोरा यहाँ पे लिया, उसके बाद सेम डोरा आप इस साइड लेके नापेंगे। अगर आपकी नाभि छोटी बड़ी आती है, आपका वो जो डोरा है वो छोटा बड़ा आता है, यहाँ पे निप्पल को टच कर रहा है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, तो आपकी नाभि हटी हुई है, इससे आप पहचान सकते हैं। अगला जो इसका पहचानने का जो तरीका है वो है, काफी लोग शोल्डर की शोल्डर से पहचान देते हैं। अगर आपके शोल्डर छोटे बड़े हैं तो आपको नाभि की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो मेन जो कारण है जिनकी भी नाभि हटती है उसकी देखिएगा आईब्रो के, काफी लोगों को देखा गया है, हर किसी को नहीं हो सकता ये, लेकिन काफी बार देखा गया है कि आपकी जब भी नाभि हटेगी तो आपके जो आईब्रो है, आंखों के ऊपर जो आईब्रो होती है, आंखों के ऊपर जो आईब्रो है ये छोटी बड़ी हो जाएंगी। आप गौर से देखिएगा अपनी आईब्रो, तो आप शीशे के अंदर खड़े होकर देखिएगा, खींचिएगा मत, उसको टाइट मत कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी आईब्रो चेक कीजिएगा। छोटी बड़ी आईब्रो नाभि हटने का लक्षण है, आप पहचान सकते हैं, लक्षण भी है, लक्षण मान सकते हैं आप, और आप उसको पहचान भी उससे कर सकते हैं। अगला जो इसका पहचानने का जो तरीका है वो है कि अगर आप पैरों को इकट्ठा करेंगे एक साथ, आपके पैरों के अंगूठे छोटे बड़े होना, अगर आपने पैरों को ऐसे पैरों को इकट्ठा कर लिया, अपने पास में कर लिया, अगर आपके पैर अंगूठे छोटे बड़े आ रहे हैं तो आपकी नाभि हटी हुई है। अगला जो है अपने हाथों की लकीरों को मिला के देखना, आपको हाथों की लकीरें आपस में मिला लीजिए, ये वाली जो लास्ट की हथेली की जो लकीर है, लास्ट में कलाई के ऊपर जो लकीर बनी होती है, इस लकीर को इस वाली कलाई की लकीर के साथ मिलाइए और पूरी लकीरों को आपस में मिलाते चले जाइए। अगर आपकी लकीरें आपस में मैच नहीं कर रही है, छोटी बड़ी आ रही है, ये जो उंगली है ये ऊपर नीचे हो रही है, इस टाइप में ऊपर नीचे उंगली आ रही है, तो आपकी नाभि हटी हुई है। काफी बार उंगलियां बराबर होती हैं लेकिन जो लकीरें हैं वो छोटी बड़ी आ जाती हैं, तब भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी नाभि हटी हुई है। तो ये तो कुछ मेन नाभि को चेक करने के तरीके हैं कि हटी हुई है नहीं हटी हुई है। अब बताता हूं, अब बात करते हैं नाभि अगर हटी हुई है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने घर के ऊपर वो नाभि को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नाभि को ठीक करने का जो पहला तरीका है वो है पेट की मालिश करना। आपने तेल लिया, तेल डाला नाभि के अंदर, उसकी मालिश करना। आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, काफी जगह ये जो तरीका है वो यूज किया जाता है, बहुत पुराना तरीका है और इससे नाभि सेट होने के चांसेस 100% है। तो आप तेल ले लीजिए, उसके बाद पेट की मालिश कीजिए। मालिश हर कोई नहीं कर सकता है, जिसको नाभि के बारे में जानकारी हो, पेट के बारे में जानकारी हो, उसी से आप मालिश करवाइएगा। घर पे मालिश काफी लोग ज्यादा तेज प्रेशर से मालिश कर लेते हैं तो अलग प्रॉब्लम में पड़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप ये, मैं तो आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा कि आप घर पे तेल की मालिश अवॉइड कीजिए। आप घर पे क्या कर सकते हैं, नाभि के अंदर तेल डाल के हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं और उसको वैसे तेल डाल के उसको छोड़ दीजिए, अब लेट जाइए आराम से। जो तेल है वो अंदर जाएगा नाभि के अंदर और नाभि को अपने आप सेट करेगा। ये सेट करता है लेकिन उसमें आपको टाइम लग सकता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, ये इसमें सेट करने का आपको टाइम लग सकता है। अगला जो इसका सेट करने का जो तरीका है वो है पैरों से। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि काफी लोग पैरों की नब्स को, जो मैंने आपको बताया कि आप पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं तो आपकी नब्स दबती है, तो आपकी नब्स से भी आपकी एड्डी के पीछे, टखने के पीछे एड्डी के पीछे वहां पे मालिश करके आप अपनी नाभि को सेट कर सकते हैं। ये अगला तरीका है। इससे अगला तरीका है, आप नाभि को कैसे सेट कर सकते हैं घर पे कूदकर। जी हाँ, अगर आपको नाभि परेशान कर रही है, आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे, आप अकेले हैं, आप ना तो मालिश कर सकते हैं ऐसे, ये वाला आप कर सकते हैं लेकिन इसके ये भी नहीं करना चाहते हैं आप, तो एक तरीका है, कूद सकते हैं। आपको कूदना कैसे है, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए, उसके बाद अपने पंजों पे खड़े हो जाइए और उसके बाद 1 फुट के आसपास आपको ऊपर कूदना है ऐसे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप अपने पैरों को पूरा फ्लैट मत रखिएगा, आपको पंजे के ऊपर कूदना है। आप ये कूदिएगा,
इससे भी आपकी नाभि सेट हो जाएगी। अगर आपकी नाभि, इसके मैं आगे बात करने वाला हूँ कि ये इससे नाभि किसकी सेट होगी, जिसको नई नई नाभि है, अभी पता लग गया कि उसको 4-5 दिन से 10 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, वो नाभि इससे सेट हो सकती है। अगर आपको पुरानी नाभि है तो कूदने से सेट नहीं होगी। अगला जो इसका तरीका है नाभि को सेट करने का, वो है कि आप किसी भी चीज पे लटक जाइए, कि आप किसी भी चीज पे लटक जाइए, लटकने के बाद अपने हाथों की सहायता से ऊपर जाइए, और जहां आप ऊपर जा रहे हैं वहां पे अपनी जीभ को टच कीजिए, चूमिए उसको, और वापस नीचे आ जाइए। आराम से आपको ऊपर जाना है, जैसे मैं लटक गया और आराम से ऊपर जाऊंगा, टच करूंगा और आराम से नीचे आ जाऊंगा। उस दौरान आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पैर जो है वो बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए, एक साथ जाने चाहिए। आप पैर खोल के ऊपर मत जाइएगा, पैरों को आपस में ऐसे मिला लीजिएगा, उसके बाद आप ऊपर उठिएगा। ऐसे लटक गए, लटकने के बाद पैरों को ऐसे आपस में मिला लिया, उसके बाद ऐसे जाना है, आराम से जाना है, आराम से नीचे आना है। या आप एक से दो बार, पहली बार तो आपको एक बार ही होगा, कोशिश कीजिए एक बार करने की। लेकिन ये ऐसा कारगर तरीका है जो लोग 10 साल से 5 साल से परेशान है, जो लोग बहुत पुराने टाइम से परेशान है, नाभि से परेशान हो चुके हैं, ये कारगर तरीका उसकी नाभि सेट कर सकता है। फंसी हुई नाभि, काफी पुरानी नाभि को सेट करने का तरीका एक ही बचता है, ऊपर की तरफ जिसकी नाभि फंस जाती है उसको आप पेट की मालिश से भी सेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सहायता करता है पेट की मालिश, लेकिन ऊपर फंसी हुई नाभि वो भी पुरानी, तो उतना ही टाइम ज्यादा लगने वाला है, उतना ही टाइम ज्यादा आपको लगेगा और सेट होने में टाइम लेगी। तो इसके लिए आपको क्या बताया मैंने, आप लटकने की कोशिश कीजिए, लटक जाइए और उसको लटकने वाली प्रक्रिया कीजिए। आप पहले दिन एक बार करेंगे, अगले दिन दो बार होगा, आप लगातार करते रहिए, 5 से 10 दिन लगातार करते रहिए, आपकी नाभि धीरे धीरे अपने जगह पे जगह बनाती हुई आराम आराम से अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस खाली लटकने की जरूरत है। अगला जो इसका तरीका है सेट करने का, वो है मसाज। आप मसाज से भी इसको सेट कर सकते हैं। आप जैसे आप लेट गए हैं, लेटने के बाद बैक से आप मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने तरीका बताया हुआ है, मैं अपनी वीडियो बेल आइकन में दे दूंगा, अब वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, तो उससे भी आपकी नाभि सेट कर सकते हैं। अगला जो तरीका है वो है, आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उसको गोल गोल लपेटिए और नाभि के बीच के अंदर रख लीजिए, और उसके बाद उल्टे लेट जाइए और अपने पैरों को उल्टे लेटने के बाद उठाइए और होल्ड कीजिए उस पोजीशन को, और आराम से नीचे लेके आइए पैरों को। तो ये भी एक तरीका है नाभि को सेट करने का। क्या है कि इंडी बना के, इंडी जिसको बोलते हैं, कपड़े को गोल गोल बना के नाभि पे रख लीजिए, फिर आप उल्टे हो जाइए, फिर पैरों को आराम से उठाइए और आराम से रिलैक्स होकर नीचे रखिए। इससे भी आपकी नाभि का आप घर पे ठीक कर सकते हैं। अगला जो तरीका है नाभि को ठीक करने का, वो है देखा होगा आपने दिया, और दिया दीपक वाला, आपने दीपक जलाया, उसके बाद वैक्यूम बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ रख दिया, तो नाभि को वैक्यूम बनाने के बाद भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन वैक्यूम वाली जो नाभि है वो भी नई वाली नाभि में काम करेगा तरीका। जिनकी नाभि अभी 5 से 10 दिन हुए, महीना हुआ है नाभि को हटा हुआ, वो नाभि ये इन चीजों से सेट हो सकती है। अगर आपकी पुरानी नाभि है तो आपको एक तरीका मैंने आपको बता दिया है लटकने का, दूसरा तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जिनकी नई नाभि है उनके दौरान ये काम कर सकता है वैक्यूम वाला। अगला जो है वैक्यूम, आप दीपक नहीं जलाना चाहते हैं तो एक वैक्यूम पंप आता है, वैक्यूम कप आते हैं, पंप आता है, उससे क्या जाता है आपकी नाभि के ऊपर सेट किया जाता है, उसके बाद उसमें वैक्यूम बनाया जाता है, और उसके बाद आपकी नाभि को 5 से 10 मिनट के लिए होल्ड कर दिया जाता है, उस वैक्यूम को छोड़ दिया जाता है, तो नाभि पे खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से नाभि अपनी जगह आ जाती है, सेट हो जाती है। इसका जो नाभि को सेट करने का जो अगला जो तरीका है वो है वैक्यूम का तरीका हो गया। ये वैक्यूम वाला तरीका आप नई नाभि में सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला जो नाभि को सेट करने का जो अगला तरीका है वो बहुत आसान है। आप पैरों की पिंडलियों की मालिश कर सकते हैं, ये तो आप कर सकते हैं या आप किसी से करवा सकते हैं। जब भी आपकी नाभि सेट होगी तो आपकी पैरों की जो पिंडलियां हैं वो थोड़ी टाइट हो जाएंगी, तो उसको आप मालिश करवा सकते हैं, मसाज करवा सकते हैं। पैरों की पिंडलियों वाला एरिया जो है, नीचे वाला एरिया, घुटने से नीचे वाला जो एरिया है उसको आप सेट कर सकते हैं, उसको मालिश कर सकते हैं, उससे आपकी नाभि सेट हो जाएगी। लेकिन ये भी तरीका
नई वाले तरीके में काम करेगा और पुराने में भी काम करता है, नाभि को सेट करने में बहुत काफी सहायता ये वाला तरीका करता है। इसका जो नाभि को सेट करने का जो अगला तरीका है वो है नाभि को सेट करने का जो अगला तरीका है वो है नाभि के ऊपर हमने वैक्यूम बना दिया। तो वैक्यूम बनाने की जगह आप एक काम कर सकते हैं कि पहले आप नाभि के अंदर तेल, नाभि के अंदर तेल डाल लीजिए। तेल डालने के बाद आप उस एरिया की मसाज कर लीजिए, हल्के हाथ से उस एरिया को नरम कर लीजिए, नरम कर लीजिए। उसके बाद उस पर कोई 1-2 किलो का कोई वजन आप यूज कर सकते हैं जो नाभि के ऊपर ही खाली वजन बनाए, नाभि के आसपास वाले एरिया के अंदर वजन बनाए। आपने तेल डाला, मालिश किया, उसके बाद इस वाले एरिया के ऊपर वजन डाल दिया। तो इस वजन को आपको होल्ड करना है 5 से 15 मिनट के लिए, और वजन डालने के बाद आपको बिल्कुल हाथ पैरों को रिलैक्स करना है, लंबी सांस लेनी है और आराम से छोड़नी है। सांस को आप मेंटेन कीजिए, वजन डाल के रखिए। तो ये घर पे आप आसान सा तरीका है, इससे आप घर पे नाभि को सेट कर सकते हैं। अगला जो तरीका है नाभि को सेट करने का वो है सौंफ और गुड़। खाना खाने के बाद खाली पेट कभी भी आप थोड़ी सौंफ ले लीजिए, उसके साथ आप गुड़ की डली ले लीजिए। गुड़ आप जानते होंगे, गुड़ मार्केट में मिल जाता है आसान से। सौंफ आपके घर पे होंगी, आप ले आइएगा। तो 1 चम्मच सौंफ, 1 गुड़ की डली आप उसके साथ खा लीजिए। तो इससे भी आपकी नाभि जो है, जो गैस की वजह से, जो गैस की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से आपकी नाभि सेट नहीं हो रही है, तो उसको खत्म करेगा और वो नाभि को वहां पे वापस सेट कर देगा। लेकिन गैस वाली प्रॉब्लम नई वाली नाभि में ये काम करेगा, सौंफ और गुड़ ये वाली नाभि में काम करता है। अगला जो तरीका है वो है स्ट्रेचिंग। आप बॉडी को स्ट्रेचिंग करके, बॉडी की आप पैर भी छोटे बड़े हैं, आपके शोल्डर ऊपर नीचे हो गए हैं, बाएं जो पलके हैं हमारी वो ऊपर नीचे हो गई हैं, तो आप बॉडी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग ले सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं घर पे, किसी की सहायता ले सकते हैं, किसी आप खुद भी कर सकते हैं घर पे, आप किसी की सहायता ले सकते हैं, या फिर आप खुद भी ले सकते हैं, किसी की सहायता कर ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मैंने अपनी वीडियो बनाई है ये वाली वीडियो से पहले मेरी एक स्ट्रेचिंग की वीडियो आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें स्ट्रेचिंग की वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड की है, और मैं उस वीडियो का लिंक बेल आइकन में दे दूंगा। आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा कि बॉडी को स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। स्ट्रेचिंग करने से आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी बॉडी रिलैक्स होंगी, और दूसरा पुरानी वाली नाभि के अंदर जिनको काफी साल से नाभि के अंदर परेशानी है, 5-10 साल से परेशान हो रहे हैं, उसके अंदर वो काफी कारगर उपाय है। अगर आप बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो आपकी नाभि सेट हो सकती है। तो ये आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, बेल आइकन में वीडियो मैंने लगा दी है। तो अभी हमने बात की नाभि के लक्षणों के बारे में, कारणों के बारे में, उसको कैसे पहचान की जा सकती है, उसके हम कैसे अपने घर पे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं अगर आपने नाभि सेट नहीं की, काफी लोग होते हैं कि इग्नोर कर देते हैं नाभि को कि ठीक है यार हो जाएगा, चल जाएगा, बाद में कर लूंगा, तो उससे आपको नुकसान बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो वो नुकसान क्या हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। अगर आप नाभि आपने सेट नहीं हुई है, आपने सेट नहीं की है, तो उस दौरान आपको क्या होता है कि वायुगोला, आपने सुना होगा काफी लोग वायुगोले से परेशान भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके पेट के अंदर एक वायुगोला बनता है, पेट के अंदर वायुगोला बनता है जो उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है। वायुगोला क्यों बन रहा है, क्योंकि आपकी पहले नाभि सेट नहीं थी। तो वायुगोले पे मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, वायुगोले 5 प्रकार से होते हैं, तो उसमें से 2 से 3 प्रकार के वायुगोले खाली आपकी नाभि से बनते हैं, आपकी अगर नाभि सेट नहीं है तो वायुगोले बनते हैं। तो वायुगोले पे मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है उसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तब वापिस आते हैं मेरे टॉपिक के ऊपर। अगर आपकी नाभि सेट नहीं करते हैं तो आपके पेट के अंदर वायुगोला बनना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप नाभि सेट ना होने की वजह से आपका जो पाचन तंत्र है वो खराब हो गया है, वो खाना जो है जो चिपका हुआ है वो सड़ने लग रहा है, सड़ेगा तो वहां पे गैस बनाएगा, तो वो गैस आपके पेट के अंदर घूमेगी, क्योंकि आपकी नाभि सेट नहीं है, आपकी गैस बाहर नहीं निकल सकती। नाभि सेट नहीं होगी तो आपकी गैस बाहर नहीं निकलती है, तो इसलिए वो वायुगोला गैस बन के
वो वही गैस पेट के अंदर चारों तरफ घूमती है और घूमने के साथ साथ वो पूरा आपके पैर पेट के जो आते हैं उसको मचोड़ देती है, दर्द करती है, बहुत भयंकर दर्द करता है वो एक गोला। और कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, और वो आपकी नाभि को भी सेट नहीं होने देगा। आप कितने भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए आपकी वो नाभि को सेट नहीं होने देगा। तो इसका जो मेन आपको परेशानी हो सकती है वो है वायु गोला, नहीं परेशानी परेशान ना करे इसलिए आप पहले नाभि सेट कर लीजिए। अगला जो आपको परेशानी होती है वो है कोडी। ये स्टर्नम बोन होती है हमारी, स्टर्नम बोन के चेस्ट के अंदर एक स्टर्नम बोन होती है, आपने देखा होगा चेस्ट के बीच बीच, और ये रिब्स है, रिब्स के और स्टर्नम बोन के बिल्कुल जस्ट बीच में, जिसको काफी लोग कलेजा बोलते हैं, कलेजा इसको बोलते हैं, और पता नहीं दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। तो बिल्कुल जस्ट स्टर्नम बोन के चेस्ट के बिल्कुल बीच में रिब्स के जहां पॉइंट बनेगा और ये हड्डी जहां खत्म होगी वहां पे एक दाना जैसा आपको महसूस होता होगा, वो दाना एक उसको बोलते हैं कोडी। कोडी भी आपकी नाभि की वजह से हट जाती है। जब आपकी नाभि हटेगी तो खाचन पाचन तंत्र में आपकी परेशानी हो गई है, गैस बनने लग गया है, वो गैस पूरी तरफ घुमाएगी तो ये वाली जो कोडी है वो वहां से हट जाती है। अब कोडी हटने के बाद आपको ज्यादा परेशानी हो जाती है। कोडी जब हटती है तो आपको क्या होता है कि आपको जो कुछ भी खाएं पिएंगे तो आपको ज्यादा डकारें आने लग जाएंगी, जलन आपको डकारें आएंगी, आपको गले के अंदर जलन सी महसूस होने लग जाएगी, ज्यादा आपको मुंह के अंदर लार बनने लग जाएगी, राल बनने लग जाएगी, आपको मुंह के अंदर थूक ज्यादा बनने लग जाएगा, आपका अचानक से वजन घटने लग जाएगा। आप खा पी रहे हैं या तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, खा रहे हैं तो खाते पेन होने लग जाएगा, और आपका अचानक से आप अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने 5 से 6 महीने से आपने नोटिस किया है कि आप पहले अच्छे थे, हट्टे खट्टे थे, उसके बाद आप अचानक से आपका 5 से 10 किलो वजन घट गया है और घटता जा रहा है, आप कमजोर हो गए हैं, तो ये कोड्डी का लक्षण हो सकता है। अचानक से वजन घटना एक कोड्डी का लक्षण है, उससे आप पहचान सकते हैं। अगर नाभि के साथ आपका बहुत स्पीड के साथ वजन घट रहा है तो ये कोड्डी की वजह से आपके साथ हो रहा है। तो ये ना हो इससे पहले आप अपनी नाभि सेट कर लीजिए। अगर ये हो गया है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होगा कि आपकी नाभि हटी हुई है, आपका स्टर्नम बोन भी हट गया है, आपको वायु गोला भी हो गया है। अब क्या होगा, अब लास्ट स्टेज आएगी आपकी आईबीएस। आईबीएस बोलते हैं, आईबीएस बोलते हैं पूरा पेट के प्रॉब्लम को मिला के, अब कोडी, नाभि, गैस, नले, नले में दर्द होने लग जाएगा। इसका तीसरा कारण है नाभि की वजह से आपको नले में पेन होने लग जाएगा। नले का पेन होने का कारण है जो लोग खाली पेट हैवी काम करते हैं, मेहनती काम करते हैं, जिसमें ताकत यूज होती है, वजन उठाते हैं, अगर वो खाली पेट लगातार वजन उठाते हैं तो उनके नले खराब होने लग जाएंगे, उनके नले टाइट हो जाएंगे, उनके नलों में पानी भर जाएगा। तो ये कारण है, अगर आप वो चाहते हैं कि ये चीजें उनके साथ ना हो तो खाली पेट कोई भी वजन वाला काम ना करें। बच्चों को खासकर वजन का काम खाली पेट ना करने दें, बच्चों के नले जल्दी पकते हैं। तब ये तीन चीजें इंक्लूड हो गई है, अब आपको बन गया है आईबीएस। आईबीएस बनने के बाद में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट ज्यादा महंगा होता है, आपको ज्यादा टाइम लगने वाला होता है, आप उससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से परेशान होते हैं। तो ये चीजें ना हो इससे पहले आप नाभि को पहचान लीजिए। अगर आप नहीं पहचान पाए, इस स्टेज तक आ गए हैं, तो आप इसको सेट करने का घबराएं ना, ये चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन ठीक करने के लिए आपको क्या करते हैं, हम काफी लोग मेरे पास फोन भी करते हैं कि सर मैं 5-10 साल से परेशान हूँ, मैंने काफी जगह नाभि को सेट करवाया है, सेट हो जाती है वो फिर अपनी जगह आ जाती है। क्योंकि सेट करने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है। तो जब जहां भी आप सेट कराएं, आप नाभि जहां भी सेट कराते हैं, सेट होने के बाद हम बोलते हैं कि आप खड़े हो जाइए, आप क्या करते हैं कि एकदम से खड़े हो गए, झटके के साथ आप खड़े हो जाते हैं, अचानक से स्पीड से खड़े हो जाते हैं। तो ये आप मत कीजिए, आप स्पीड से मत खड़े होइए, आप आराम से खड़े होइए। खड़े होने के बाद पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए, सीधा बैठने के बाद पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और उसको अपनी तरफ खींचिए, गर्दन को नीचे झुकाइए, उसको आसन को पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है, तो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। बैठने के बाद जैसे लेटे हुए हैं, उसके बाद आप बैठेंगे, बैठने के बाद आप अंगूठे को ऐसे पकड़ लीजिए, अपने अंगूठे को पकड़िए बिल्कुल सीधा होके, पैर मत मोड़िएगा, पैर सीधे, आपके पैर जो है बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। अंगूठे को पकड़ लीजिएगा और वहां पे थोड़ी देर आप उसको होल्ड कीजिए, 4 से 5 बार वो प्रक्रिया कीजिए नाभि सेट करने के बाद। दूसरा, नाभि सेट करने के बाद आप चलिएगा मत तुरंत, खड़े होकर चलने मत लग जाइएगा। नाभि सेट कराई, मैंने आपको बोला खड़े हो जाइए, आप खड़े हुए, उतरे और चलने लगे, ये कभी मत कीजिएगा। अब आप उसने आपने अंगूठे को पकड़ा, उसके बाद थोड़ी देर होल्ड कीजिए। आप कुछ खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप केला खा लीजिए, आप कुछ सॉलिड खा लीजिए, पीना अलाउड नहीं है। अगर आप कुछ पीते हैं तो इतना असर नहीं करता है,
लेकिन आप उसी टाइम बैठे बैठे वहां पे कुछ खा लेते हैं, केला खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, कोई भी सॉलिड चीज अपने पेट के अंदर डाल लीजिए, तो नाभि क्या है, अगर हमने सेट की है जो नाभि की जगह थी वहां पे वो खाना आ जाएगा और उस जगह को नाभि को वहां पे कुछ देर के लिए ज्यादा होल्ड करेगा और नाभि को वहां पे होल्ड होने की आदत पड़ेगी, तो वो नाभि वहां पे जल्दी सेट होगी आपकी। तो आप शायद ये गलती करते होंगे, जहां भी आप जाते होंगे अचानक खड़े हो जाते होंगे, चलने लग जाते होंगे, ये गलती आप मत कीजिए, होल्ड कीजिए उसको। अगला है कि नाभि को सेट करने के बाद आप डोरा बांध सकते हैं अंगूठे के अंदर। काफी लोगों को देखा होगा कि अंगूठे के अंदर डोरा बांध लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल डोरा बांधने का एक गलत तरीका अभी चल रहा है। जब तक आपकी नाभि सेट ना हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब तक आपकी नाभि सेट नहीं हुई है तब तक आप अंगूठे के अंदर कोई डोरा नहीं बांधेंगे। बिल्कुल नाभि को बिल्कुल सेट होने के बाद ही आप अंगूठे के अंदर डोरा बांधेंगे। अगर आपने अंगूठे के अंदर चुटकी पहन रखी है उंगली के अंदर और अंगूठे के अंदर आपने डोरा बांध रखा है नाभि के लिए, काफी लोगों को आपने देखा होगा, काफी लोग बांधते हैं ना अंगूठे के ऊपर एक काला डोरा बांध लेते हैं, उससे क्या होगा कि आपने वहां पे डोरा बांधा हुआ है, वो नब्स है, मैंने आपको बताया पैरों के अंदर भी नाभि को सेट किया जाता है पैर से भी, वो वहां पे आपने दबा रखी है आपकी, और मैं यहाँ पे मेहनत करने लग रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेहनत की सेट की, लेकिन वो नब्स जो आपने बांधा हुआ है वो इस पर असर करेगा, वो नाभि सेट होगी नहीं आपकी, कुछ देर के लिए नाभि सेट होगी वो वापस उसी जगह चली जाएगी। तो पहले नाभि को सेट कर लीजिए, उसके बाद ही उस डोरे को बांधिएगा। तो जो लोग गलतियां करते हैं, ये मैं मेरी तरफ से आपको टिप्स है, तो ये आप जरूर आजमा के देखिएगा, आपको काफी फायदा उसमें मिलेगा। अगला जो है, अगर आपने नाभि सेट कर ली है, डोरा भी नहीं बांधा है, फिर भी अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपकी नाभि बार बार सेट नहीं हो रही है, तो मेरे पास भी फोन आते हैं काफी कि 10 साल से परेशान हो, 5 साल से परेशान हो, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि भैया जितना आप टाइम लगाएंगे नाभि को ठीक कराने में, उतना ही टाइम आपको ठीक करने में लगेगा। जितनी पुरानी नाभि होगी आपकी सेटिंग नहीं हुई होगी, उतना ही टाइम उसको ठीक करने में लगेगा। अब काफी लोग सोचते हैं कि मैं एक दो सेटिंग एक बार में उनकी नाभि सेट कर दूं, एक बार में नाभि एक या दो सेटिंग में उन लोगों की नाभि सेट हो सकती है जिन लोगों की नाभि अभी कुछ दिनों से हिली हुई है। हिली हुई है जो लोगों की नाभि एक महीने से 5 से 10 दिन या एक महीने तक हटी हुई है, उनको पता लग गया कि मेरी नाभि हट गई है, एक महीना हो गया है, मेरे को एक महीना हुआ हटी हुई नाभि, वो चीजें कर सकते हैं, वो एक दो सेटिंग में सेट हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों को पुरानी नाभि है, 5 से 10 साल पुराने हैं, वो उन्होंने जो उस टाइम गौर नहीं किया, आईडीएस बनता हुआ उनको आ गया है, तो वो चाहते हैं कि वो नाभि एक साथ सेट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, उनको टाइम लगने वाला है, 5 से 10 दिन लग सकते हैं, 10 से 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन नाभि को सेट किया जा सकता है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि कितनी भी पुरानी नाभि हो, कितनी पुरानी कोड्डी हो, उसको सेट किया जा सकता है। आप घबराइए मत कि वो सेट नहीं होगी, टाइम बन गया। हाँ, सेट करने के बाद पेट को वहीं पे वापस आने में टाइम लगेगा, उसी पोजीशन में उसी आराम में आने में पेट को टाइम लग जाएगा। अब कहते हैं नाभि को पुरानी नाभि है उसको सेट करने के बाद, अब पेट हमने नाभि को सेट कर दिया है, लेकिन उसी जगह वापस आने में पेट को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ऐसा ही फील होगा पहले जैसा फील होगा, लेकिन नाभि आपकी सेट हो जाएगी। तो आप घबराइए मत, नाभि और कोड्डी आराम से सेट की जा सकती है, नले भी आपके ठीक किए जा सकते हैं अगर आपने नाभि सेट कर ली। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, काफी लोग गलतियां करते हैं, उनको क्या है कि नाभि और कोड्डी एक साथ हटी हुई है, नले भी बने हुए हैं या नले ना भी बने, अगर आप नले को हटा दें, नाभि और कोड्डी उनको हटी हुई है, अब वो क्या करते हैं कि खाली नाभि सेट करा लेते हैं। नाभि सेट करा ली उन्होंने, वो नाभि एक दिन के लिए 15-20 मिनट के लिए सेट होती है, उसके बाद वो नाभि अपनी जगह वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने कोड्डी को सेट नहीं किया है। जब कोड्डी सेट नहीं होगी तो नाभि को आप सेट नहीं कर सकते, और जब तक नाभि सेट नहीं होगी तब तक आप कोड्डी को सेट नहीं कर सकते। मेन पॉइंट है ये, जब तक आपकी नाभि सेट नहीं होगी तब तक आप कोड्डी को सेट नहीं कर सकते, और जब तक कोड्डी सेट नहीं होगी तब तक आप नाभि को सेट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, जब जहां भी आप करवा रहे हैं तो कोड्डी और नाभि दोनों को सेट एक साथ करवाइए। आपने नाभि को सेट करवाया, उसके बाद कोड्डी को सेट करवाया, उसके बाद वो जो मैंने आपको पहले जो तरीका बताया है वो उस वाले तरीके से उठिएगा, उठी कीजिएगा, तो आपकी नाभि, आपको नाभि में काफी आराम मिलेगा। इसी तरह की मैं और वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मेरे को जरूर बताइएगा। अगर आपको आपके फ्रेंड को, दोस्त को, फैमिली में किसी को भी इस प्रकार की परेशानी है और काफी लंबे समय से इस परेशानी से परेशान होता हुआ आ रहा है,
तो आप इस वीडियो को उस तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा ताकि उसको सहायता मिल सके। ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जो बताइएगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की मैं वीडियो बनाते रहता हूँ मसाज पे, नाभि पे। तो अगर आपको कोड्डी पे एक प्रॉपर कोड्डी के ऊपर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके जो बताइएगा कि मैं कोड्डी पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आपको जरूरत है कोड्डी की वीडियो की तो मैं इस पे एक, जैसे आज मैंने नाभि पे टॉपिक पे पूरी वीडियो बनाई है, मैंने अक्सर नाभि के सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं। तो इसी प्रकार एक नई वीडियो बनाते हैं कोड्डी के ऊपर, अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।